सो हेलो माई डियर स्टूडेंट्स, माई नेम इज प्रिंस एंड वेलकम टू ई फॉर यू अकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। और आप सभी को पता है हम अभी आपके क्लास 11 बायोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में किंगडम इस पर्टिकुलर चैप्टर से इंट्रोडक्शन एंड किंगडम मोनेरा के बारे में स्टडी किया। And now we are going to study about the kingdom Protista. So let's start it. So as you can see, kingdom Protista. Okay. So kingdom Protista is a second kingdom of your 5 kingdom classifications. And first point is a all unicellular eukaryote placed in kingdom Protista. Okay. सो आप सभी को पता है कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं, है ना, आपको ये चीज़ तो पता ही है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो प्रोक्रियोटिक सेल्स होते हैं, दूसरे यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं। सो प्रोक्रियोटिक सेल्स जो होती हैं वो प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती हैं, पुराने मतलब जो एडवांस वर्जन नहीं है, है ना, उस टाइप की सेल्स होती हैं। उनमें आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होंगे, इवन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगा, न्यूक्लियोलस अब्सेंट होगा। सो एक ट्रू सेल नहीं होता, ओके, प्रोक्रियोट सेल। और प्रोक्रियोट सेल बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं, और जितने भी बैक्टीरिया हम सभी को किंगडम मोनेरा के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब बात की जाए एडवांस सेल मतलब यूकेरियोटिक सेल, तो यूकेरियोटिक सेल आप सभी को पता है कि एडवांस सेल है। हमारे शरीर में, हमारे बॉडी के अंदर जो भी सेल्स हैं वो सभी यूकेरियोटिक सेल्स हैं, ओके। एंड हम मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। सो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म को अगर देखा जाए तो 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, एक तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ओके। सो यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ सिंगल यूकेरियोटिक सेल होगा, और जितने भी सिंगल यूकेरियोटिक सेल्स हैं उन सभी को हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं। सो अगर ये लाइन अगर क्लियर हो गया तो वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि सेकंड जो पॉइंट है इस पर्टिकुलर किंगडम प्रोटिस्टा से, इसके अंदर कौन कौन से क्लासेस प्रेजेंट हैं, ओके। सो आप देख सकते हैं क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स ऑल्सो अंडर प्रोटिस्टा, ओके। देन थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं ये, प्राइमरली अगर देखा जाए तो इनका हैबिटेट क्या होता है, वाटर होता है, एक्वेटिक होते हैं, मेराइन वाटर हो सकते हैं, है ना, और फ्रेश वाटर हो सकता है। दीज किंगडम लाइक विथ प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई। तो ये जो किंगडम होता है ना, लिंक होता है, सॉरी लाइक ब्रो सॉरी लिंक, ये जो किंगडम होता है, किंगडम जो प्रोटिस्टा होता है, लिंक करते हैं बिटवीन, है ना, लिंक विथ प्लांट के साथ भी लिंक रख सकते हैं, लिंक के जो इनका पैरासाइट फॉर्म में हो सकते हैं या किसी और सिम्बायोटिक फॉर्म में हो सकते हैं, एनिमल्स के साथ भी हो सकते हैं पैरासाइट फॉर्म में, एंड फंजाई के साथ भी इनका लिंक होता है, ठीक है। लिंक मतलब किसी तरीके का रिलेशन हो सकता है इनका, इन पर्टिकुलर प्लांट एनिमल और फंजाई के साथ, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर चैप्टर, इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है हमारा, प्रोटिस्टन्स सेल बॉडी, है ना, जो प्रोटिस्टन सेल बॉडी है कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, है ना, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। ऑब्वियसली बात है कि जो जितने भी यूकेरियोटिक एनिमल्स हैं, सॉरी यूकेरियोटिक सेल्स हैं, वो एक ट्रू सेल है और एक एडवांस सेल है, तो उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, न्यूक्लियोलस और जितने भी अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होंगे वो सभी वेल डिफाइंड होंगे, है ना, सभी चीज़ पर्टिकुलर सेल में प्रेजेंट होगा, क्योंकि यूकेरियोटिक सेल्स हैं। एंड अगर इस पर्टिकुलर प्रोटिस्टा, जितने प्रोटिस्टा किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें देखा जाए तो सम हैव, कुछ के पास फ्लैजिला होगा और सीलिया प्रेजेंट होगा जो उसके मूवमेंट में हेल्प करेगा। रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली, रिप्रोड्यूस किस तरीके, भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो उनका एक ही मकसद है कि अपने आप को, अपना जो स्पीसीज का जो ग्रोथ करना है ना, अपने अपना नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को क्रिएट करना, ऑफस्प्रिंग क्रिएट करना, तो रिप्रोडक्शन मेथड है उनका। अब ये रिप्रोडक्शन में ये उस एसेक्चुअल मेथड से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेक्चुअली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ, है ना,
सेल्फ फ्यूजन मतलब फ्यूजन मतलब सेल का जुड़ना है ना। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन दो सेल आपस में जुड़ करके एंड जाइगोट फॉर्मेशन करके कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है, सेल्फ फ्यूजन भी देखने को मिलेगा एंड जाइगोट फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा आपका, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ लाइन में। देन इस पर्टिकुलर किंगडम में क्लास कुछ क्लासेस डिस्कस करने हैं हमने। तो फर्स्ट क्लास जो है क्राइसोफाइट्स है। क्या कौन सा पॉइंट है? क्राइसोफाइट्स है। अब क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं गाइस? तो देखिए क्राइसोफाइट्स में क्राइसोफाइट्स इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं पहले ये जान लेते हैं। तो इनके अंदर क्राइसोफाइट्स के अंदर डायटम्स आते हैं, ठीक है, डायटम्स आते हैं एंड गोल्डन एल्गी। ओके, गोल्डन एल्गी का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि एल्गी के अंदर होगा, बट गाइस ये गोल्डन एल्गी एक डेस्मीड्स है, ठीक है, जो कि प्रोटिस्टा के अंदर क्लास क्राइसोफाइट्स के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। तो आप में इसमें दो याद रखने, एक तो डायटम्स और दूसरा डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, पूछा जा चुका है, ठीक है। जिसमें जिसमें ग्रीन ग्रीन सर्कल है वो सभी कुछ जो सभी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कभी ना कभी आए हुए हैं, ठीक है, आपके नीट में। देन नेक्स्ट बात की जाए तो ये जो क्राइसोफाइट्स हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मेराइन इन्वायरमेंट। ओके, देन अगर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड है ना फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं पेसिबली। पेसिबली मतलब इनको किसी भी टाइप की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, वाटर फ्लो के वाटर करंट जो है उसके थ्रू ये पेसिबली फ्लो कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं इन वाटर। जैसे कि हम सभी को जानते हैं प्लैंकटॉन्स है ना, जितने भी प्लैंकटॉन्स होते हैं, जू प्लैंकटॉन्स है ना, फाइटो प्लैंकटॉन्स, जो प्लैंकटॉन्स होते हैं जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में प्लैंकटॉन्स, वो सभी प्रोटिस्टा है ना। इससे भी क्वेश्चन बना है बहुत पहले कि जो इंग्लिश में कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं जो फाइटोप्लैंकटॉन्स होते हैं वो क्या हैं। सो एक प्रोटिस्ट है, एनिमल्स हैं, ठीक है, क्राइसोफाइट्स बिलोंग करते हैं क्लास से। देन अगर बात की जाए कि इनका बिहेवियर या इनका किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो ये मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं, ये मोस्ट ऑफली फोटोसिंथेटिक होते हैं, है ना, अपना फूड मोस्टली ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना फूड खुद अपना बना सकते हैं ये, है ना, सेल्फ जनरेट कर सकते हैं फूड को विद प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सेल वॉल जो होता है इनका फॉर्म टू थिन, है ना, क्राइसोफाइट का जो सेल वॉल होता है, तो सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इस पर्टिकुलर सेल के चारों तरफ सेल वॉल जो होगा फॉर्म करता है टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, है ना, पतले ओवरलैपिंग सेल्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे विथ फिट टुगेदर एज अ सॉफ्ट बॉक्स। आपके घर में कभी ना कभी सॉफ्ट बॉक्स या अभी भी होगा सॉफ्ट बॉक्स, देखेंगे कि एक जो सॉफ्ट बॉक्स होता है एक उसको हम सेल वॉल मान सकते हैं, दूसरे सॉफ्ट बॉक्स के ढक्कन को दूसरा सेल वॉल मांग सकते हैं। तो जिस तरीके से दोनों सॉप बॉक्स के सॉप जो बॉक्स जिस पे सॉप रखते हैं वो बॉक्स जैसे फिट होते हैं, उसी तरीके से इनका सेल वॉल भी फिट होता है। इस तरीके का होता है, देखिए डायग्राम है ना, इस तरह का सॉप बॉक्स होता है ना, तो इस तरीके का इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो एक दूसरे को ओवरलैप इस तरीके से करते हैं, सेल वॉल विद फिट टुगेदर एज अ सॉप बॉक्स। और कुछ में तो क्या होते हैं गाइस, जो वॉल होता है, जो सेल वॉल होता है एम्बेडेड होता है, मतलब उसमें धसा होता है, इमेडेड मतलब धसा होता है विद सिलिका, सिलिका मतलब सैंड पार्टिकल जैसा, सिलिका भाई सिलिका सब सभी को पता है, एंड वॉल इनडिस्ट्रक्टिबल। जो वॉल होता है, सेल वॉल होता है वो इनडिस्ट्रक्टिबल, सिलिका के वजह से, जो सिलिका इसके अंदर धसा हुआ होता है उसके वजह से जो वॉल होता है इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब इसी चीज़ का फ़ायदा हमको क्या मिलता है कि एक क्योंकि जब ये डेड होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म डेड होते हैं, तो इनका सेल वॉल इनडिस्ट्रक्टिबल है। ऑर्गेनिज्म तो डेड होते रहते हैं पर जो इनका सेल वॉल है वो डिपॉजिट होता है, ठीक है, डायटोमिक अर्थ फॉर्म करता है, डायटोमेशियस अर्थ, लार्ज अमाउंट ऑफ द सेल वॉल डिपॉजिट इन हैबिटेट, जहाँ पर से रहते हैं वहाँ पर लार्ज अमाउंट में सेल वॉल डिपॉजिट होता है, ठीक है। इसका रीज़न तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि इनका सेल वॉल क्या होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, ये तो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो नीचे जो सेल वॉल है वो ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो नीचे डिपॉजिट होते जाता है, ठीक है। एक्यूमुलेशन बिलियन ऑफ ईयर, बहुत लंबा टाइम है, 1 बिलियन मतलब थाउजेंड मिलियन ईयर लगता है इसको पूरा एक्यूमुलेट होने में, एक डायटोमिक अर्थ बनने में, ठीक है। हम इस डायटोमिक अर्थ का हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं गाइस, जैसे कि यूज़ करते हैं इसको पॉलिशिंग, है ना, इस पॉलिशिंग में किसी चीज़ को चमकाना है, पॉलिश करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, बिल्कुल इसमें पोरस होता है इनका जो है ना, जो इससे जो वहाँ से जो एक तरह से देखा जाए तो जो ये स्टोन लाइक होता है, बस पोरस स्टोन होता है, तो फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, ऑयल के फिल्ट्रेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑयल के भी फिल्ट्रेशन में एंड ऑल्सो फिल्ट्रेशन इन ऑफ सिरप, है ना, सिरप के भी फिल्ट्रेशन में इसका यूज़ करते हैं, सिरप जो हम जो हमारा ड्रग्स है ना, ड्रग्स मतलब दवा वाला। ओके, डायटम्स है ना, तो सिरप
डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन. ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी पूछा गया, कभी क्या पूछा ही गया है कि हमारे है ना ओशन में, ओशन मतलब समुद्र में जो चीफ प्रोड्यूसर है वो कौन है. चीफ मतलब मुख्य इंपॉर्टेंट जो प्रोड्यूसर है वो कौन है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो बहुत सारे अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ये कार्बोहाइड्रेट में फिक्स करके स्टोर कर सकते हैं किसके, सनलाइट की एनर्जी को. ठीक है, तो चीफ प्रोड्यूसर मतलब मुख्य प्रोड्यूसर है ओशन के कौन, ये क्राइसोफाइट जो कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर क्लास की बात की जाए किंगडम में तो वो है डायनोफ्लैजिलेट्स. कौन है वो, है गए डायनोफ्लैजिलेट्स. तो डायनोफ्लैजिलेट्स नाम से ही साफ है कि डायनो डाई का मतलब दो एंड फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला वाले. तो ऐसे ऑर्गेनिक प्रोटिस्ट होते हैं ये, इनके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं. तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इसमें लाइन जो है मोस्टली मेराइन होते हैं. ये मोस्टली मेराइन होंगे, आपको फ्रेश वाटर में देखने को जल्दी नहीं मिलेगा. एंड है ना फोटोसिंथेटिक करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, मतलब ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना फूड खुद जनरेट कर सकते हैं. अपीयर येलो, ये दिखाई दे सकते हैं येलो कलर के, ग्रीन कलर के, ब्राउन कलर के, ब्लू कलर के और ऑल्सो इन रेड कलर. डिपेंड ऑन पिगमेंट, ये किस तरह का पिगमेंट इनके बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है उस तरह के ये आपको कलर में अपीयर्स होंगे. ठीक है, देन अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो इनका जो सेल वॉल होता हैज़ अ स्टिफ सेलुलोज प्लेट. स्टिफ मतलब हार्ड होता है ना, सॉलिड हार्ड सेलुलोज प्लेट का बना होता है ऑन आउटर सरफेस. टू फ्लैजिला, अब यहाँ से टू फ्लैजिला क्योंकि ये डायनोफ्लैजिलेट है, टू फ्लैजिला एक तो लॉन्गिट्यूडनली होगा एंड अदर ट्रांसवर्सली इन फैरो. ठीक है, एक खाँच होगा इनके सेल वॉल में. ठीक है, इनके जो सेल वॉल है सेलुलोज का बना होता है, तो इनके सेल वॉल में एक फैरो होगा. फैरो मतलब खाँच होता है, उसके अंदर दो फ्लैजिला होंगे, एक तो लॉन्गिट्यूडनली होगा एंड दूसरा ट्रांसवर्सली होगा जो इनको मोशन में हेल्प करेगा दोनों डायरेक्शन में. ओके, बिटवीन वॉल प्लेट्स, वॉल प्लेट्स के बीच में. ठीक है, देन अगर बात की जाए एक रेड डायनोफ्लैजिलेट्स है. ठीक है, रेड डायनोफ्लैजिलेट जिसका नाम है गोनाइलेक्स. ठीक है, गोनाइलेक्स जो होता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो करता है, बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होगा एंड इसकी वजह से जो सी का वाटर है अपीयर्ड रेड, है ना. तो जो सी वाटर है वो रेड कलर का दिखाई देगा, आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स गोनाइलेक्स. ठीक है, और ये जो रेड टाइड एक तरह से जब टाइड आता है ना, तो उनके साथ ही उनके सरफेस पे क्या होता है फ्लोट करते रहते हैं. ठीक है, सो इनके वजह से जो टाइड है वो रेड कलर का दिखाई देता है, हम जिसको रेड टाइड कहते हैं. एंड ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं इससे ना, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन होता है, इवन ह्यूमंस के लिए भी टॉक्सिक होते हैं उस पर्टिकुलर रीजन में जो एनिमल्स उनके लिए टॉक्सिन तो है, ये ह्यूमंस के लिए भी जो टॉक्सिन है वो टॉक्सिक होता है, ये रिलीज करते हैं. ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत पहले गोनाइलेक्स. तो बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोटिस्ट है क्लास थर्ड यूग्लेनॉइड्स की. सो यूग्लेनॉइड्स जो है ये भी हमारे प्रोटिस्ट के अंदर आते हैं. अब यूग्लेना के बारे में आपने बहुत पहले बचपन में बहुत खूब सुना होगा, यूग्लेना यूग्लेना यूग्लेना. तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ में स्टडी करते हैं. तो यूग्लेनॉइड्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं. ठीक है, सो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, फाउंड इन है ना स्टेगनेंट वाटर, है ना. स्टेगनेंट मतलब स्थिर होता है, स्टेगनेंट मतलब स्थिर स्टेबल, वहीं पाया जाएंगे. सेल वॉल अब्सेंट है ना, एंड सेल वॉल इनमें अब्सेंट होता है. ठीक है, तो ये ऐसे यूकेरियोटिक इवन यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं जिनके सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है. अब तक के जितने भी हमने दो देखे क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स उसमें सेल वॉल प्रेजेंट था, बट इस यूग्लेनॉइड में सेल वॉल अब्सेंट होता है. बट हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, है ना. इनके चारों तरफ एक प्रोटीन रिच लेयर होता है, याद रखिएगा प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन रिच लेयर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं है ना पेलिकल, क्या बोलते हैं पेलिकल्स बोलते हैं. मेक बॉडी फ्लैक्सीबल, तो जो लेयर होता है प्रोटीन का उसको पेलिकल बोलते हैं, जो इनकी बॉडी को फ्लैक्सीबल बनाती है. ठीक है, जो स्विम करने में वाटर में फ्लोट करने में हेल्प करेगा. एंड ऑल्सो हैव अ टू फ्लैजिला, एंड ऑल्सो हैव टू फ्लैजिला, वन अ शॉर्टर एंड वन लॉन्गर वन. तो एक तो शॉर्ट होगा जिसका कोई काम नहीं है, ऐसे ही होता है, दूसरा जो लॉन्गर वन है उससे ये मोशन कर सकते हैं, है ना, हिल डुल सकते हैं. दे फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेटिक है, है ना. नो डाउट कि जो यूग्लेनॉइड्स होते हैं, इससे पहले हमने जो देखे दो क्लासेस जो कि हमारा था क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स, वो दोनों भी कैसे थे फोटोसिंथेसिस करने वाले थे, अपना फूड खुद जनरेट कर सकते थे मतलब ऑटोट्रॉप्स से. यहाँ पर यूग्लेनॉइड भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना. एंड अगर सनलाइट अब्सेंट है
सनलाइट के अब्सेंस में, तो अब्सेंस ऑफ सनलाइट बिहेव हेटरोट्रॉप्स, ओके, अगर सनलाइट अब्सेंट है तो हेटरोट्रॉप्स है, यानी प्रेडेटर की तरह बिहेव करेगा, शिकार करके अपना फूड जनरेट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि युगलेना जो होते हैं प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, पूछ सकता है कभी कि आपको क्या लगता है कि कौन सा इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, तो यहाँ पर आता है यूग्लेनॉइड। ठीक है, तो यूग्लेनॉइड जो होता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में हम कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। जैसे वायरस को, जो वायरस है उसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, उसी तरीके से यूग्लेनॉइड्स को प्लांट और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, क्योंकि ये अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑटोट्रॉप है, जबकि अगर अब्सेंस ऑफ सनलाइट है तो बिहेव करेगा एज अ हेटरोट्रॉप। अब बात की जाए इसके अंदर इस फोटोसिंथेसिस करता है, पिगमेंट्स भी प्रेजेंट हो गए, तो पिगमेंट्स ऑफ द यूग्लेनॉइड आर द आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट्स, है ना, तो इनके पिगमेंट्स होते हैं जनरली क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, यूनिवर्सल पिगमेंट है, और कैरोटीनॉइड, सो ये पिगमेंट्स आइडेंटिकल होंगे हायर प्लांट्स के जैसे। तो एग्जांपल है इसका यूग्लेना, ठीक है, इसका एग्जांपल है यूग्लेना। अब गाइस नेक्स्ट जो क्लास है हमारे प्रोटिस्टा का वो है स्लाइम मोल्ड, ओके, नाम सुनकर तो ऐसा लगता है कि जैसे फंगस है ये, बट स्लाइम मोल्ड है ना, स्लाइम मोल्ड हमारे प्रोटिस्ट में आते हैं, ये भी यूनिसेल होते हैं। अब इसके कुछ टॉपिक्स, इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि ये सैप्रोफिटिक होता है, सैप्रोफिटिक मतलब मृतोपजीवी है ना, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके ऊपर रहते हैं ये, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। डिकेइंग, इसका काम क्या है, डिके करना, उस डेड ऑर्गेनिज्म का क्या करना है, उसको डिके करेगा, अपघटित करेगा, ठीक है, डिकम्पोज करेगा। देन अगर सेकंड पॉइंट की बात की जाए, अंडर सुटेबल कंडीशन, एक सुटेबल कंडीशन में फॉर्म करता है एग्रीगेशन, है ना, एक सुटेबल कंडीशन अगर इनको प्रोवाइड किया जाए तो समूहन बनाते हैं, है ना, एग्रीगेट होते हैं, समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, कॉल्ड, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, उस एग्रीगेशन को बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ओके, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। अब बात की जाए जो प्लाज्मोडियम है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अगर जो कंडीशन है वो अनफेवरेबल है, जो कंडीशन है वो अगर अनफेवरेबल है कंडीशन, तो प्लाज्मोडियम है ना डिफ्रेंशिएटेड एंड फॉर्म, प्लाज्मोडियम जो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा किसी दूसरे चीज़ में एंड फॉर्म करेगा फ्रूटिंग बॉडीज, क्या फॉर्म करेगा, फ्रूटिंग बॉडी, एक फ्रूटिंग बॉडी होता है आगे हम देखेंगे, ठीक है, फंजाई में फ्रूटिंग बॉडी जिसपे स्पोर फॉर्म करते हैं, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर स्पोर फॉर्म होता है। सो अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होगा किस फॉर्म में, फ्रूटिंग बॉडी में, और ये जो फ्रूटिंग बॉडी होगा क्या रखेगा अपने ऊपर, बियरिंग बनाएगा स्पोर्स एट अ टिप, फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे जो टॉप होगा उस पर स्पोर फॉर्म करेगा, ये जो स्पोर है वो क्या करेगा, स्पोर है ना, स्पोर पोजेस ट्रू वॉल, स्पोर के पास ट्रू वॉल होता है जो उसको हार्श कंडीशन में एक्सट्रीमली जो है ना रेजिस्टेंस बनाता है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस बनाता है उन पर्टिकुलर हार्श कंडीशन में जो है ना अनफेवरेबल कंडीशन है उससे टॉलरेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, एंड सर्वाइव मैनी ईयर, और उनको उस स्पोर को बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करने में हेल्प करता है, ताकि जिस समय फेवरेबल कंडीशन आएगा जो स्पोर है जर्मिनेट होगा और नया स्लाइम मोल्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और है कि सारे स्पोर जो है एयर के थ्रू है ना फैल सकते हैं, सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, सो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ जर्मिनेट हो सकते हैं, ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशन को पार भी कर सकते हैं स्पोर फॉर्म में। अब ये जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स डिस्पर्स्ड है ना, इस जो स्पोर्स हैं डिस्पर्स हो सकते हैं, वही चीज़ जो हमने पहले डिस्कस किया, डिस्पर्स मतलब फैल सकते हैं बाय एयर करंट, ठीक है, किसके थ्रू, बहुत हल्के होते हैं तो एयर करंट के थ्रू आराम से फैल सकते हैं। देन गाइस अगर बात की जाए, नेक्स्ट जो हमारा क्लास है इस पर्टिकुलर प्रोटिस्ट किंगडम में वो है, और ये लास्ट क्लास है, प्रोटोजोअन्स, ओके। अब यहाँ पर हम प्रोटोजोअन्स को भी इसमें रखते हैं, ठीक है, जनरली हम पहले के जो क्लासिफिकेशन थे उसमें प्रोटोजोअन्स को हम एनिमल्स में ऐड करते थे, लेकिन हमने ये जब से समझा कि इनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं, तो हम जितने भी यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं सबको हम एक अलग किंगडम जैसे कि प्रोटिस्टा में रखते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोअन्स भी क्या है, ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटरोट्रॉपिक, जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं सभी कैसे हैं, हेटरोट्रॉपिक हैं, है ना, इसलिए इनको एनिमल्स में रखा जा रहा था, तो हेटरोट्रॉपिक है, लिव एज अ है ना प्रीडेटर और पैरासिटिक, तो ये हेटरोट्रॉपिक है, तो या तो इनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये प्रीडेटर के फॉर्म में हो सकते हैं किसी के पास, किसी के एनिमल या प्लांट पे, जनरली एनिमल्स के ऊपर में प्रीडेटर के फॉर्म में होंगे या पैरासिटिक होंगे, किसी को पैरासाइट के फॉर्म में रहेंगे, है ना, एक्जो पैरासाइट है एंडो पैरासाइट। तो प्रीमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये प्रीमिटिव रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के, ठीक है, इनके फोर मेजर ग्रुप्स हैं,
तो अगर ग्रुप्स की बात की जाए तो फर्स्ट जो ग्रुप आता है गाइस निकल करके वो है एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, है ना। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर एमीबा आने वाला है। लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, तो ये आपको जो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स है आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा, सी वाटर में देखने को मिलेगा, एंड ऑल्सो इन मॉइस्ट सॉइल, जो गीली मिट्टी होती है वहाँ भी आपको अमीबा देखने को मिलेगा, है ना। फॉर तो जो अमीबा है फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर प्रे, फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर प्रे यूज़ करते हैं ये स्यूडोपोडिया को, ठीक है। किसके मूवमेंट के लिए, तो अपने आपको ये मूवमेंट के लिए जो अपना है उनको मूवमेंट है, एंड प्रे को कैप्चर करने के लिए जो भी सामने, क्योंकि प्रेडेटर की तरह भी ये हो सकते हैं, तो सामने जो भी प्रे होगा उसको कैप्चर करने के लिए ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, क्योंकि इनका जो जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है अमीबा का वो फिक्स नहीं होता है, इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, किसी भी डायरेक्शन में स्यूडोपोडिया फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में इनको फूड या प्रे दिखे। सो स्यूडोपोडिया फॉर्म करेंगे, जिसको हम फॉल्स फीट भी बोल सकते हैं, आभासी पैर, फॉल्स का मतलब झूठा, फीट का मतलब पैर। इन है ना, फिर क्या बात कर सकते हैं, इन इन मेराइन फॉर्म हैव अ सिलिका सेल, और जो अमीबा प्रोटोजो अमीबाइड प्रोटोजोन का मेराइन फॉर्म है, उनके उनके पास उनके बॉडी में एम्बेडेड होता है सिलिका सेल्स, है ना। सिलिका के छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे सेल्स मतलब वो वाला सेल नहीं, सी डबल एल वाला सेल नहीं, सेल मतलब कवर वाला सेल, ठीक है। सिलिका सेल्स ऑन सरफेस, उनके सरफेस पे उनको टॉलरेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो सी वाटर है वो डीप अगर सी में रहते हैं तो वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा। अभी बेचारे एक तो यूनिसेलुलर यूकेरियोट है, तो इनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी लग सकता है, हालांकि इनका देखा जाए तो उतना बॉडी का सरफेस एरिया नहीं है तो ज़्यादा तो प्रेशर, फिर भी उनको बचाने के लिए उनके है ना, उनका जो ऑर्गन है, ऑर्गन मतलब ऑर्गेनेल, सॉरी ऑर्गन तो नहीं होगा, इनका ऑर्गेनेल्स होगा, तो सेल का जो ऑर्गेनेल्स है उसको डैमेज होने से बचाने के लिए सिलिका सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड बात की जाए इसके एग्जांपल्स की, तो जैसे कि इनका एग्जांपल अमीबा है ना, आप सभी को पता है एंट अमीबा हिस्टोलाइट का, ये तो बहुत खतरनाक होता है आपको पता है, डाइसेंट्री है ना, डाइसेंट्री प्रोड्यूस करता है, अतिसार पेचिस बोल सकते हैं, लूज मोशन वगैरह, पैरासाइट फॉर्म में होता है बॉडी के अंदर। देन अगर बात की जाए नेक्स्ट जो इसका ग्रुप है हमारे क्लास प्रोटोजोन्स क्लास का, तो जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है फ्लैजिला, सॉरी फ्लैजिलेटेड, क्या है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ऐसे प्रोटोजोन्स जिनके बॉडी पर, एक तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स देखें है ना, अमीबॉइड मतलब ये होता है इरेगुलर सेल, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स मतलब ऐसे प्रोटोजोन्स जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो, ठीक है, प्रोटोजोन्स होंगे फ्लैजिला वाले, ये फ्री लिविंग होंगे, ऑब्वियस सी बात है इनके पास फ्लैजिला है तो फ्री फॉर्म में स्विम कर सकते हैं वाटर में, और पैरासिटिक फॉर्म में हो सकते हैं, हैव अ फ्लैजिला, ऑब्वियस सी बात है फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजिला ही होना है। जो इनका पैरासिटिक फॉर्म है, ठीक है, अब देखिए जो इनका पैरासिटिक फॉर्म है कॉज करता है डिजीज़, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, जो पैरासिटिक फॉर्म है प्रोटोजोन का, तो जिसको हम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कहते हैं, तो पैरासिटिक फॉर्म ऑफ पैरासिटिक फॉर्म जो होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का, जो फ्री लिविंग वाले वो नहीं, जो पैरासिटिक फॉर्म है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का, वो कॉज करता है डिजीज़ जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस, ओके। और इस पर्टिकुलर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का नाम है ट्रिप्नोसोमा, आप नेट पर सर्च करिए ट्रिप्नोसोमा, आपको देखने को वो तो आसानी से मिल जाएगा, बिल्कुल लंबा सा स्ट्रक्चर होता है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है इनका, ठीक है, आप देख सकते हैं गूगल पे सर्च करिए ट्रिप्नोसोमा और GIF करिएगा, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा माइक्रोस्कोपिक व्यू। देन बात की जाए नेक्स्ट ग्रुप की, तो नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोन, ठीक है, आप फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स पढ़ लिए तो सीलिएटेड क्यों ना पढ़े भाई, है ना, तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स भी होते हैं। अब सीलिएटेड प्रोटोजोन्स मतलब इनके पास ना सीलिया प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये भी एक्वेटिक होते हैं, प्रेजेंट होगा इनके बॉडी पे थाउजेंड ऑफ सीलिया, ठीक है, इनके सेल पे बॉडी नहीं बोल सकते, हाँ सेल बॉडी बोल सकते हैं, तो थाउजेंड ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, हैव कैविटी, इनके इनके सेल पे एक कैविटी प्रेजेंट होगा जिसको गल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लट बोलते हैं, ग्लट या गल्ट बोलते हैं, ओपन आउटसाइड, जो कहाँ ओपन होगा, आउटसाइड होगा ऑफ सेल सरफेस, सेल सरफेस के बाहर की तरफ एक ग्लट मतलब कैविटी प्रेजेंट होगा, ग्लट बोलते हैं, और कोऑर्डिनेट मूवमेंट कराते हैं अपने सीलिया को, ऑफ रो ऑफ सीलिया को, कोऑर्डिनेट मूवमेंट एक समान मूवमेंट होगा, सीलिया को मूवमेंट कराएंगे जो कॉज करेगा वाटर, वाटर जो करंट है वो अपने तरफ खींचेंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ जो फूड होगा वो भी क्या होगा उसके तरफ, उसके ग्लट की तरफ आएगा और वो उसको इनहेल कर लेंगे, ठीक है, ठीक इनटू गल्ट, ठीक है, स्ट्रेट मतलब भेजना, भेज देंगे गल्ट की तरफ। अब एग्जांपल अगर देखा जाए तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप बचपन से चप्पल के सेब का होता है पैरामीशियम, ठीक है, बचपन में आपको बताए होंगे सेब कैसा होता है, चप्पल का सेब का, चप्पल का सेब का, तो पैरामीशियम है वो, ठीक है। अब
हाँ, तो पैरामीशियम सिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं, ऐसे पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आते हैं गाइज, ये जो बहुत ज़्यादा है ना, ये जो प्रोटिस्ट का सबसे मेरे को डेंजरस लगता है स्पोरोजोन्स, है ना। स्पोरोजोन्स जो होते हैं ना, मीन्स का स्पोर, इनका स्पोरिक फॉर्म जो होता है ह्यूमंस के लिए तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ओके, बहुत ज़्यादा डिजीज कॉज करता हैव अ इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, है ना। तो स्पोरोजोन्स नाम ही है क्योंकि इनके पास एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज है, प्रेजेंट है इन देयर लाइफ साइकिल, इसके लाइफ साइकिल में, ठीक है, इनकी लाइफ साइकिल में स्पोर लाइक क्या है, इन्फेक्शियस स्टेज प्रेजेंट होता है इनका। देखा जाए तो साइकिल होता है मोनोहोस्ट और प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, इस तरीके का इनका लाइफ साइकिल चलता है, ठीक है। मोस्ट ना नोटोरियस इन इज प्लाज्मोडियम, मतलब घातक होते हैं, बहुत ज़्यादा घातक प्लाज्मोडियम, आपने प्लाज्मोडियम का नाम सुना ही होगा, जो कॉज करता है मलेरिया पैरासाइट है ना, जो मलेरिया पैरासाइट है मलेरिया कॉज करेगा। मलेरिया डिजीज हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन, बहुत आघात पहुंचाता है ह्यूमन के पॉपुलेशन को, है ना। मलेरिया से हर साल लाखों लोग का डेथ हो जा रहा है। हालांकि जो जो हेटरोजाइगस आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, जो हेटरोजाइगस सिकल सेल्ड होते हैं, है ना, होमोजाइगस वाले तो मर जाते हैं, सिकल सेल वाले जो हेटरोजाइगस होते हैं वो मलेरिया से प्रोटेक्टेड होते हैं, उनको मलेरिया कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, एक नॉलेज यहाँ पर मिलेगा आपको थोड़ा सा धीरे। तो अब यहाँ पर बात की जाए, नेक्स्ट जो हमारा किंगडम है फंजाई है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि इस किंगडम, जो कि किंगडम हमारा प्रोटिस्टा था, हमने इतने टॉपिक्स को कवर किया। सो गाइस, आप किंगडम प्रोटिस्टा से जितने भी क्वेश्चन आप लगा के देखें, आई होप सभी क्वेश्चन हो जाएंगे आपको, आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगले नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आप सभी को टॉपिक तो पता ही चल गया होगा कि हमारा जो नेक्स्ट किंगडम है वो है फंजाई, तो हम फंजाई के बारे में स्टडी करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। सो तब तक के लिए आप हंसते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मस्त रहिए, है ना। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, और इसी तरीके के वीडियो आगे भी आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, टाटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।